नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपको चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लगभग आधा एकड़ यहाँ पे हरी मेथी की खेती की गई हुई है। ये जो मेथी है, ये साग के लिए उन्होंने यहाँ पे खेती की हुई है, और हमारे साथ यहाँ के उन्नतशील किसान हैं जो कि यहाँ पे साग की खेती कर रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे मेथी की खेती आप कौन कौन से समय पर कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, कितने समय पर यह तैयार होती है, और कितनी लागत आती है, और कितना आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सारी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। दादाजी, आपने कब लगाया होगा इस मेथी को? ये सितंबर में, लास्ट सितंबर में आपने इसकी बुआई की थी। तीस सितंबर की थी। और आज हम जब ये वीडियो बना रहे हैं, आज है 20 नवंबर 2022, और ये सितंबर में उन्होंने लगाया हुआ था। दादाजी, लगभग कितने दिन की हो गई होगी ये फसल? 30-35 दिन में काम जब कटने लगती है। कटने लगती है, हाँ। और जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हार्वेस्टिंग चल रही है, उखाड़ रहे हैं आप इसको, हाँ। तो ये दादाजी, आधा एकड़ जब आपने मेथी की बुआई करने के लिए सोचा, तो इसमें कितना बीज आप लाए थे इसके लिए? इसमें, हाँ, 8 किलो। 8 किलो बीज लगा, हाँ। और दादाजी, जो मेथी की खेती करते हैं, बीज के लिए, जो मसाले के लिए खेती करते हैं, अगर इस को छोड़ दिया जाए, तो क्या ये वह वाली मेथी भी हो जाएगी, दाने भी निकल आएंगे इसमें? यहाँ दाने भी हो जाएंगे जी, हाँ। लेकिन आपने इसकी खेती साग के लिए की है? हाँ, साग के लिए की है। तो दादाजी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि साग के लिए आपने इसकी खेती की है, और ये 30-35 दिन में तैयार भी हो रही है, और यहाँ पे आप इसको उखाड़ के हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं और बेचने की प्लान कर रहे हैं, ये अभी इसका मार्केट में क्या रेट है, थोड़ा इसके बारे में बताइए हमें। इसका 200 रुपये धरा। 200 रुपये धरा, यानी 200 रुपये का 5 किलो है अभी। 5 किलो, हाँ जी। तो दादाजी, हमें अभी बताइए आपने कि जैसे आपने 8 किलो बीज इसमें बुआई की, हाँ। और सिंचाई कितनी बार की होगी? दो बार सिंचाई की, हाँ। एक बार मतलब खेत को आपने पलेवा किया, भराई की, हाँ। उसके बाद बीज को बो दिया, हाँ। सूखा झूर खेत रहा, सूखा खेत रहा, काका थे, बीया मिला के सिंचाई कर दिया जी। उसके बाद जाम आया जी, मतलब सूखे खेत में बुआई कर दिया आपने। दोबारा फिर सिंचाई हुई जी, तो काम जब कटने लगे जी, दोबारा हुई तो कटने लगी, हाँ। मतलब ये जैसे पालक जितने दिन में तैयार हो जाती है, उतने दिन में ये भी तैयार हो जाती है। यानी जैसे अपने यहाँ तो सोया, मेथी और पालकी जो होती है, तीनों को मिला के भी साग बेचते हैं, हाँ। और ये लगभग साथ में तैयार हो जाती है, हाँ। तो आपने मेथी लगाने की, अकेले मेथी लगाने के लिए क्यों सोचा आपने? काम जब पालक में काम जब थोड़ा ऐसा रेट नहीं रहा, इसलिए पालक में रेट कम मिलता है, हाँ, और इसमें रेट थोड़ा ठीक मिल जाता है। ठीक मिल जाता है। दादाजी, ये लगभग 8 किलो जो बीज आपने लाया था, ये कितने रुपए का होगा? 150 रुपये किलो का। 150 रुपये किलो के हिसाब से मिले थे, यानी लगभग 1200 रुपये का बीज आपने इसमें आधा एकड़ में बुआई किया, हाँ। और बुआई के समय आपने इसमें खाद कौन सा डाला था? डीएपी लगभग कितना डाला होगा आपने? 1 बोरी, यानी 50 किलो इन्होंने आधा एकड़ में डीएपी डाला और बुआई कर दी, और उसके बाद इन्होंने केवल 2 बार सिंचाई की, और जो फसल है वो तैयार हो गई, हाँ। है, और लगभग 40 रुपये किलो हरी मेथी आप यहाँ पे बेच रहे हैं, हाँ। और जब जितना आपने हार्वेस्टिंग किया हुआ है, ये लगभग 1 क्विंटल आपने बेच दिया होगा? और बेचा है, हाँ। और अगर हम जितना आपकी फसल है इसके बारे में बात करें, तो ये इसमें जो अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं साग, ये कितना क्विंटल निकल सकता है अब इसको जी? अच्छा, लगभग रोज लेके जाते हैं, तो क्या 50 किलो एक दिन में उखाड़ के आप ले जाते हैं यहाँ से? 50 किलो ज्यादा जाते हैं। 50 किलो ज्यादा जाता है। 80 किलो। 80 किलो आप लगभग? 1 क्विंटल 80 किलो जी। कभी मतलब 1 क्विंटल हो जाता है, कभी 80 किलो हो जाता है, हाँ। क्योंकि खेत में जितना समय मिलता है उसी हिसाब से हार्वेस्टिंग करते हैं जी। तो दादाजी, ये कितने दिनों से आप इसके यहाँ पे मतलब इसको उखाड़ के बेच रहे हैं? काम तब 5 दिन से। 5 दिन से आप बेच रहे हैं, और अभी जिस तरीके की फसल है, मुझे लगता है 10-10 दिन अभी और लगेंगे इसमें। हाँ, 10 दिन लगेगा। और इसके बाद इसमें आप कौन सी फसल लगाएंगे? इसमें आलू रहेगी। इसमें बार आलू लगाएंगे, हाँ। अच्छा, आलू थोड़ा लेट नहीं हो जाएगा आपका? तो लेट, हाँ, लेट हो रही है जी, इसीलिए, हाँ। आप इसको जड़ से उखाड़ रहे हैं, हाँ। और बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि इसको दराती से काटते हैं और उसको बेच देते हैं गड्ढी बना करके, और वो फिर उग जाता है यूरिया देने पे। उग जाएगा फिर जी। तो आपको आलू बोना है, इसलिए आप इसको जड़ से उखाड़ रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे आलू नहीं बोना होता, तो अगर आप दराती से काट के इसको साग को बेचते, तो ये कितनी बार तैयार हो जाता? कई बार होता है, 2-3 बार। 2-3 बार हो जाता, हाँ। है, यानी अगर दादाजी हम बात करें कि पूरा आपने आधा एकड़ में अभी तक कितने पैसे खर्च किए होंगे इस पे? इसमें पैसा 2000। 2000 रुपये लगाए हैं, हाँ। और अपनी जो मेहनत है, निराई गुड़ाई है, वो खुद से ही किया हुआ, हाँ। है,
आपने इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई में कोई दवा डाले थे या हाथ से ही कर रहे थे? निराई गुड़ाई हाथ से। हाथ से किए हैं? हाँ। एक बार किए थे? एक बार। जब पौधे की बुआई की, पौधा मतलब बड़ा हो रहा था, तो उसमें आपने इसकी खरपतवार नियंत्रण कर दिया। हाँ। और अभी जैसे हम देख रहे हैं इस फसल को, तो आधा एकड़ में क्या आपने 2000 रुपये लगाए हैं और पूरी जब फसल ख़त्म होगी तो क्या आप इससे आप 20000 रुपये कमा सकते हैं? हाँ, कमा लेंगे। हाँ। मतलब कि अगर आप मेथी की खेती करते हैं, लागत कम आती है, थोड़ा अपने हाथ की मेहनत होती है, क्योंकि इसको हार्वेस्टिंग करना, निराई गुड़ाई करना, सिंचाई करना, वो सारे काम होते हैं, लेकिन अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दादाजी, जैसे कि और फसलों में होता है कि उसको अगेती लगाएंगे तो अच्छा उत्पादन देगी, पछेती लगाएंगे, तो अगर मेथी जो हमारे किसान भाई हमें और आपको देख रहे हैं वीडियो में, वो कौन से समय पे मेथी लगाएं कि उनको अच्छा रेट मिल जाए इससे? सितंबर में बोदेंगे तो। सितंबर में बोदें। और क्या इसको मतलब कौन कौन से समय में मेथी खेती की जाती है, थोड़ा उसके बारे में बताइए आप हमें। ज़्यादातर सितंबर में होती है। ज़्यादा सितंबर में होती है, सितंबर बोई जाती है जी, और 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है। यानी हम दादाजी ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी फसल है जो कि आपको 10 गुना प्रॉफिट दे सकती है, अगर आप इसकी खेती करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं। जो हमारे किसान भाई वीडियो में हमें देख रहे हैं, उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो खेती में लगा सकें, लेकिन वो मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो वो 2 से 3 हज़ार रुपये लगा करके आधा एकड़ मेथी की खेती कर सकते हैं और इससे आसानी से 20 से 25 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। सही है। हाँ, 3000 के लमसम का खर्चा आएगी, जुताई पताई जी। हाँ, जुताई सिंचाई सब कुछ जोड़ के बीज लेके 3000 जी। और अगर एक एकड़ करेंगे इसका दुगना, हाँ, तो फिर भी लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये में एक एकड़ फसल तैयार हो जाएगी। हाँ। और अगर उनको कोई दूसरी फसल नहीं बोनी है तो इसको यूरिया दे कटाई करके और बार भी बेच सकते हैं, और बार काट सकते हैं जी। तो किसान भाइयों, जैसे कि आपने देखा, जो हमारे दादाजी हैं जो कि यहाँ पे ये मेथी की खेती कर रहे हैं, इन्होंने हमें बताया कि मेथी की खेती कैसे की जाती है। मेथी की खेती किसान भाइयों, इसमें आप एक एकड़ में 6 से 7 हज़ार रुपये लगा करके बहुत ही आसानी से 60 से 70 हज़ार रुपये कमा सकती हैं, और वो भी मात्र 30 से 35 दिनों में। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एग्री आकाश चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। धन्यवाद।